गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जुगल्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम यहाँ पर नई भर्ती जो आई है उसके रिगार्डिंग हमारी यहाँ पर आज लेक्चर 2 है। DSSB की जो हमारी भर्ती आई है, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को यहाँ डिस्क्राइब कर दिया था कि हर ट्रेड का क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या एग्जाम सेशन रहेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। कल की जो मेरी पहली क्लास थी उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अभी जो मेरी क्लास चल रही है वो कॉपर ट्रेड की जो वैकेंसी आई है, जो 17 नंबर और 18 नंबर की जो कोड है, हमारा पोस्ट कोड है, उसकी जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग ये हमारी अभी डेमो क्लासेस चल रही है। अगर आप लोगों को हमारी डेमो क्लासेस पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी कि जो हमारी क्लासेस चल रही है जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से, अभी तो सिर्फ कॉपर ट्रेड के अकॉर्डिंग चल रही है, कॉपर ट्रेड की चल रही है। बाकी अदर ट्रेड्स, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वायरमैन वगैरह वगैरह जो ट्रेड्स हैं उनकी क्लासेस भी हमारे जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था क्या कि कंप्यूटर आखिर में होता क्या है, कैसे बनाया गया और किसने बनाया गया और क्या इसके काम होते हैं, ये हमने कल कंप्यूटर की क्लास में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि देखिए, जब हम कंप्यूटर के बैक टू बैक जानेंगे, आगे की आगे हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, तो हम उसमें पढ़ेंगे भाई हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या होती है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस आज करने वाले हैं। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, ये हमारा जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस का ऐप है। यहाँ पर आप हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे ऐप के माध्यम से रिकॉर्डेड PDF वगैरह देख सकते हैं, और जो स्टूडेंट हमसे जुड़ रहा है या जुड़ना चाहता है उसको हम यहाँ पर रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस के साथ साथ हम यहाँ पर आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं, PDF अवेलेबल कराते हैं और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराते हैं हर ट्रेड की। ठीक है, तो चलिए आज का हम सेशन कंटिन्यू रखते हैं। आज के सेशन को हम डिजिटल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हिस्ट्री में आई उनके बारे में हम जहाँ पर जानेंगे। देखिए, ये जानना आपका बहुत ज़रूरी है जब आप कॉपर ट्रेड कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वाली, जब आप ट्रेड का सिलेबस कर रहे हैं, उस ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उस ट्रेड के आप इंस्ट्रक्टर बनना चाह रहे हैं और बनेंगे, आप बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली जो अच्छे से तैयारी कर रहा है, रेगुलर हमारी क्लासेस लेगा, तो आपको किसी भी बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमारा एक फंडा होता है भाई, हमको ये वाला हमने कॉन्सेप्ट कराया है, जैसे ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है उसके हम यहाँ पर शॉर्टली MCQs, सेलेक्टेड MCQs को लेकर आते हैं। ठीक है, तो अभी जो आज हमारा फंडा चलेगा वो चलेगा हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का आज का हमारा कॉन्सेप्ट चलने वाला है कि भाई आखिर में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है। ठीक है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, तो अब हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में आज जानेंगे कि भाई कंप्यूटर का इतिहास क्या होता है। क्लियर है, चलिए तो आज हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। क्लियर है, तो हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट आता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ ही था तब हमारा सबसे पहला जो आया वो आया अबेकस आया। सबसे पहला क्या आया प्यारे दोस्तों, हमारा अबेकस आया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। बिल्कुल, देखिए इस रिगार्डिंग DSSB के रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ इंक्वायरी चाहिए, फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंक्वायरी चाहिए, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन बोर्ड पर हमें मैसेज छोड़ सकते हैं, हम आपकी रिक्वायरमेंट को फुलअप करके आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, ऐसा कोई स्टूडेंट पर्टिकुलर किसी ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहा है, किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहा है, तो ये आप ले सकते हैं। और कल की वीडियो में मैंने बताया था, आज भी एक दो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैम ये जो एग्ज़ाम होगा इसका सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा, तो भाई इसका सिलेबस पैटर्न दो भागों में रहेगा, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में आपका नॉन टेक आ जाएगा, यानी कि आपका
मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, बायोलॉजिकल वगैरह सब आ जाएंगी, ज्योग्राफी वगैरह, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट रहेगा वो आपका टेक्निकल पार्ट रहेगा, जिसके लिए आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है प्यारे दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम आज इसमें अबेकस के बारे में पढ़ते हैं कि भाई जो हमारा ये सबसे पहली डिवाइस आई, हमारी कैलकुलेटिंग जो सबसे पहली डिवाइस आई वो आई अबेकस। कौन सी आई? वो अबेकस आई। पुराने ज़माने में क्या होता था, कोई कैलकुलेटर नहीं होता था, कोई मोबाइल नहीं होता था, कोई कंप्यूटर नहीं होता था। तो जब जो व्यापारी लोग थे, जो इन्वेस्टर थे, जो काम करते थे, ऑफिस व्यापार करते थे, शॉप वगैरह में काम करते थे, ठीक है, तो उनको जब कैलकुलेशन करने के लिए जरूरत पड़ी, तो वो जब कैलकुलेशन करते थे, जब वो गणना करते थे, तो एक अबेकस के माध्यम से वो क्या करते थे, गणना करते थे अबेकस के माध्यम से। इसीलिए अबेकस को क्या कहा जाता है, गणना यंत्र कहा जाता है। पॉइंट टू पॉइंट अभी हम इसके बारे में लिखेंगे कि भाई ये कब आया, क्यों आया, किसने आविष्कार किया और किस लिए आया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले अबेकस के बारे में जानेंगे कि भाई अबेकस का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया। अबेकस का प्रयोग सबसे पहले चीन में किया गया। अबेकस का यूज सबसे पहले कहाँ किया गया? चीन में किया गया। कहाँ? चीन में किया गया। अबेकस का यूज सबसे पहले कहाँ किया गया? चीन में किया गया। अब जब अबेकस की बात आई है तो हम यहाँ पर जानेंगे कि भाई अबेकस किसने बनवाया, अबेकस किसने आविष्कार किया, अबेकस का किसने आविष्कार किया? ट्रीम क्रैनमर ने अबेकस का आविष्कार किया। आविष्कार किसका? अबेकस का। किसने किया? ट्रीम क्रैनमर ने अबेकस का आविष्कार किया। अबेकस का आविष्कार किया, ठीक है। अब किस लिए किया? अबेकस एक क्या है? गणना यंत्र है। यानी कि अबेकस एक गणना यंत्र है, ठीक है। यानी कैलकुलेशन करने के लिए अबेकस का क्या किया जाता है प्यारे मित्रों? गणना करने के लिए यूज किया जाता है। अब अबेकस को हम यहाँ पर ही डिफाइन कर लेते हैं कि अबेकस को कैसे बनाया गया और क्या क्या इसके पार्ट होते हैं। ये अबेकस में एक वुडन हैविंग फ्रेम होता है। अबेकस में क्या होता है? वुडन हैविंग फ्रेम होता है। अबेकस में वुडन हैविंग फ्रेम होता है। ऊपर वाले पार्ट को हेवन और नीचे वाले पार्ट को अर्थ कहा जाता है। और अबेकस के यहाँ पर ये जो लगी हुई हैं वो रॉड होती हैं, रॉड्स होती हैं। और रॉड्स पर क्या लगी हुई होती हैं? बीट्स लगी हुई होती हैं, लंबी लंबी। अबेकस एक लकड़ी का चौकोर आयताकार ढांचा होता है, दो भागों में बटा हुआ होता है। ऊपर वाले पार्ट को हेवन कहा जाता है और नीचे वाले पार्ट को अर्थ कहा जाता है। हेवन और अर्थ पर एक रॉड्स लगी हुई होती हैं, उन रॉड्स पर बीट्स टंगी हुई होती हैं जो गणना करने के लिए प्यारे दोस्तों वो काम आती है। क्या काम आती है? गणना करने के लिए काम आती है। अबेकस सबसे पहला यांत्रिक डिवाइस था। अबेकस क्या था? अबेकस सबसे पहला यांत्रिक डिवाइस था। यांत्रिक क्या था? डिवाइस था या उपकरण था। अबेकस आया था सबसे पहला उपकरण गणना करने के लिए। क्लियर है? अबेकस क्या आया सबसे पहले? गणना करने के लिए सबसे पहला उपकरण आया। अब हमारी एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बनकर आता है, जो MCQs के हिसाब से आता है कि भाई जापान में अबेकस को क्या कहा जाता है? जापान में
जापान में अबेकस को क्या कहा, सॉरी, जापान में अबेकस को सारोबान सारोबान कहा जाता है। अबेकस को क्या कहा जाता है जापान में? सारोबान अबेकस को कहा जाता है। क्लियर है भाई, अबेकस को क्या कहा जाता है? अब हम बात करेंगे अबेकस के बाद जो दूसरी बात आई वो आई कि भाई सबसे पहले जो मैकेनिकल, ये एक मैकेनिकल डिवाइस भी हम इसको बोल सकते हैं, यांत्रिक यानी मैकेनिकल डिवाइस, जो गणना अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए, कौन सी कैलकुलेशन के लिए? अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, यह है अर्थमेटिक कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भाई जब, अच्छा, अबेकस से पहले भी कैलकुलेटिंग की जाती थी, कैसे? आदि मानव करते थे भाई, एक पत्थर ले लिया स्टोन के माध्यम से, फिर दूसरा पत्थर ले लिया, तीसरा, ऐसे उनके पास बहुत सारे पत्थर होते थे। ठीक है, अब ये एक पर्सन यहाँ पर बैठा है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा पर्सन बैठा है इस तरीके से। अब जब इसको कोई चीज़ देगा तो उसने एक पत्थर यहाँ से निकाल के इसको दे दिया, तो क्या हुआ? जब इसने एक पत्थर इसको निकाल के दिया तो ये वाला पत्थर इरेज हो गया और एक पत्थर इसके पास चला गया। यानी स्टोन के हिसाब से भी क्या करते थे, ये कैलकुलेटिंग करते थे। जब स्टोन के हिसाब से इनने कैलकुलेटिंग करी, फिर हमारे वैज्ञानिक जी आए, कौन से, ट्रीम क्रेनमर जो आए, उन्होंने कहा कि भाई फिर हम ऐसा करते हैं, एक डिवाइस बनाते हैं जिसका नाम उन्होंने दिया अबेकस। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आजकल भी, अब तक भी स्कूल में, प्राइमरी सेक्शंस में अबेकस का यूज़ किया जाता है बच्चों को कैलकुलेशन करवाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, अभी भी अबेकस का यूज़ किया जाता है। अब देखिए अबेकस के बाद जो दूसरा आया हमारा, देखिए मैं आपको एक पिक्चराइजेशन के फॉर्म में समझाऊंगी जो आप लोगों को इजी रहेगा पिक्चराइजेशन के फॉर्म में समझना। अबेकस के बाद जो दूसरा आया वो क्या आया हमारा? नेपीरियर बोन आया। कौन सा आया अबेकस के बाद हमारा दूसरा? नेपीरियर बोन आया। अब जब नेपीरियर बोन आया तो इसका आविष्कार किसने किया और कब किया? सबसे पहली बात, अब जब नेपीरियर बोन आया, यह भी एक लकड़ी के ढांचे पे होता था, चौकोर चौकोर लकड़ी की पट्टियां होती थी, उन पर काउंटिंग लिखी होती थी 0 से 9 तक, और क्या की जाती थी इस पर? कैलकुलेशन की जाती थी, पहाड़े लिखे जाते थे, है ना, इस तरीके से इसको कैलकुलेटिंग किया जाता था। अब हमारी बात आई दूसरे नंबर की, कौन सी? नेपीरियर बोन। कौन सा आया? नेपीरियर बोन। नेपीरियर बोन हमारा आया। अब जब बात आई नेपीरियर बोन की, तो भाई इसका आविष्कार किसने किया? नेपीरियर बोन का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपीरियर ने किया, 1617 में किया। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया? जॉन नेपीरियर ने। जॉन नेपीरियर ने इसका आविष्कार किया था 1617 ईस्वी में, इसका आविष्कार किया गया। कब किया गया? 1617 में इसका आविष्कार किया गया। ठीक है, और ये जो जॉन नेपीरियर थे वो क्या थे? गणित के विशेषज्ञ, स्कॉटलैंड गणित विशेषज्ञ थे। जॉन नेपीरियर कौन थे? स्कॉटलैंड गणित विशेषज्ञ, ठीक है, कौन थे हमारे ये? स्कॉटलैंड के थे, नेपीरियर, जॉन नेपीरियर स्कॉटलैंड के गणित विशेषज्ञ थे। कौन थे? जॉन नेपीरियर गणित विशेषज्ञ
स्कॉटलैंड के थे जिन्होंने 1617 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। क्लियर है भाई, क्लियर है सभी को। इसमें कुल क्या होता है देखिए, जॉन ए नेपीरियर बोन में इसमें कुल 10 आयताकार क्या होती है पट्टियां होती हैं। लिखिए इसमें कुल 10 आयताकार, इसमें कुल 10 आयताकार पट्टियां होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 10 आयताकार पट्टियां होती हैं जिनमें 0 और 9 तक के पहाड़े लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? 0 और 9 तक के पहाड़े लिखे जाते हैं। क्लियर है। अब ये बात आई हमारी किसकी? नेपीरियर बोन की। अब जब हम बात करेंगे कि कैलकुलेशन के परिणाम को ग्राफिक्स में, ग्राफिक्स फॉर्मेट में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। जो भी हम गणना करेंगे उसको एक ग्राफिक्स में ही तो देख रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना है हम सॉफ्ट कॉपी ग्राफिक्स में देखें कि भाई कंप्यूटर में देखना ही ग्राफिक्स होता है। नहीं, हम इस तरीके से भी ग्राफिक्स के रूप में भी इसको देख सकते हैं। देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 16, 2 × 8 = 18, इस तरीके से 3 × 3 = 9, 12 = 15, 18, इस तरीके से देखिए पूरा दिख रहा है ना, शो हो रहा है ना आपको, इस तरीके से यह शो होता है। तो हम इसके बारे में एक लाइन लिखेंगे कि भाई ये जो हमारा है नेपीरियर बोन, इसमें क्या होता है, जो हमारा आउटपुट होता है या कैलकुलेशन के परिणाम को ग्राफिक्स में देखा जाता है। किसको? कैलकुलेशन के परिणाम को ग्राफिक्स में देखा जाता है, ग्राफिक्स में व्यक्त किया जाता है, ग्राफिक्स में व्यक्त किया जाता है। क्लियर है। जॉन नेपीरियर ने इसका क्या किया था प्यारे दोस्तों? आविष्कार किया था। क्लियर है। अब जॉन नेपीरियर के बाद बात आती है हमारी पास्कल कैलकुलेटर या फिर पास्कल लाइन की बात, कि भाई पास्कल कैलकुलेटर क्या होता है और पास्कल लाइन क्या होता है। तो देखिए ये इस तरीके से आपको शो होता है कि भाई पास्कल कैलकुलेटर क्या होता है और पास्कल लाइन क्या होता है। इस तरीके से घड़ी की तरह ये चक्कर घूमता रहता है और हमको बताता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरे नंबर पर पास्कल कैलकुलेटर या फिर पास्कल लाइन क्लियर है, पास्कल कैलकुलेटर या फिर पास्कल लाइन, जिसे हम आधुनिक युग का क्या कहा जाता है, इसको आधुनिक युग का कैलकुलेटर कहा जाता है। आधुनिक युग का कैलकुलेटर कहा जाता है। किसको? पास्कल लाइन या फिर पास्कल कैलकुलेटर को आधुनिक युग का कैलकुलेटर कहा जाता है। ठीक है, अब यह क्या है? यह भी एक गणना यंत्र है जो किसने बनाया था बताइए। यह गणना यंत्र है, यह गणना यंत्र है जो किसने बनाया था? आविष्कार किसने किया? आविष्कार बताओ, ब्लेज पास्कल जी ने। किसने किया इसका आविष्कार? ब्लेज पास्कल
ब्लेज पास्कल जी ने इसका आविष्कार किया था, और कब किया था? 1642 में इसका आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल जी ने, 1642 में इसका आविष्कार किया था। क्लियर है? ब्लेज पास्कल जी ने इसको आधुनिक युग का कैलकुलेटर कहा जाता है, यह है गणना यंत्र है, और ब्लेज पास्कल जी ने इसको 1642 में इसका आविष्कार किया था। अब जब और बात आएगी तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भाई पास्कलेटर जो कैलकुलेटर है हमारा, पास्कल कैलकुलेटर, उसको एडिंग मशीन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, पास्कल कैलकुलेटर को पास्कल कैलकुलेटर को एडिंग मशीन कहा जाता है। पास्कल कैलकुलेटर को क्या कहा जाता है? एडिंग मशीन भी कहा जाता है, यानी काम को ऐड करने के लिए, काम में कोई चीज़ एडिंग करने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन बनकर आ जाता है कि भाई एडिंग मशीन किसने बनाई? क्या आ जाता है? एडिंग मशीन किसने बनाई? तो किसने बनाई एडिंग मशीन? ब्लेज पास्कल जी ने क्या बनाई? एडिंग मशीन बनाई 1642 में। क्लियर है? और ये एडिंग मशीन या ब्लेज या फिर पास्कल लाइन कौन से सिद्धांत पर काम करता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पास्कल लाइन, पास्कल कैलकुलेटर किस पर? घड़ी के सिद्धांत पर, घड़ी के सिद्धांत पर काम, घड़ी के सिद्धांत पर घड़ी के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है? घड़ी के सिद्धांत पर काम करता है कौन? पास्कल कैलकुलेटर, जिसे पास्कल लाइन भी बोलते हैं, आधुनिक यूनिक का कंप्यूटर भी, आधुनिक यूनिक का कैलकुलेटर भी बोलते हैं, और एडिंग मशीन भी कहा जाता है। ये किस पे काम करता है? घड़ी के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें 0 और 9 तक के अक्षर लिखे हुए होते हैं। देखो, देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 0 और 9 तक के अक्षर छपे हुए होते हैं। इसमें लिखिए, इसमें 0 से 9 तक शब्द तक अक्षर छपे होते हैं। क्या छपे हुए होते हैं? 0 से 9 तक के अक्षर छपे हुए होते हैं। किसमें? पास्कल कैलकुलेटर, पास्कल एडिंग मशीन वगैरह वगैरह में। क्लियर है? अब जब इसके बाद जब डेवलप हुआ, जब अबेकस, अबेकस के बाद क्या आया हमारा? नेपीरियर बोन, नेपीरियर बोन के बाद पास्कल कैलकुलेटर, पास्कल कैलकुलेटर के जो बाद आया प्यारे दोस्तों, वो आया स्लाइड रूल। क्या आया वो हमारा? स्लाइड रूल आया। किस तरीके से आया? इस तरीके का एक फुट्टा होता था, उस पर क्या किया जाता था? कैलकुलेशन या वगैरह वगैरह काम किए जाते थे। कौन सा आया इसके बाद हमारा? स्लाइड रूल। स्लाइड रूल आया हमारा, ठीक है? अब जब स्लाइड रूल आया तो इसका आविष्कार किसने किया, बताओ? जर्मनी के किसने? जर्मनी के गणितज्ञ विलियम ऑट्रेड ने इसका आविष्कार किया था। किसका? स्लाइड रूल का। अब स्लाइड रूल देखिए, इस तरीके से इसमें एक ये लगा हुआ होता है, स्टॉपर टाइप में लगा होता है, इसको आप इधर सरका देते हैं तो इधर चला जाता है, और इधर सरकाएंगे तो इधर चल जाएगा, यानी गणना करने के लिए स्लाइड रूल का भी
गणना करने के लिए भी सायल रूल का आविष्कार किया गया था। कौन सी गणना? लघु गणित विधि वाली गणना जो होती है वो करने के लिए सायल रूल का आविष्कार किया गया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमारा पैटर्न है कि भाई आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार किसने किया? स्लाइड रूल का आविष्कार किया गणित जर्मनी के गणितज्ञ विलियम ऑटरेड। किसने किया? जर्मनी के गणितज्ञ, जर्मनी के गणितज्ञ विलियम ऑटरेड। किया देखो, इनसे जो हिस्ट्री है ना उनसे रिलेटेड उनका नाम पूछ लेंगे, भाई ये कौन सा है और किसने बनाया या कब आविष्कार किया और किस लिए किया, बस यही हम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। अब स्लाइड रूल का आविष्कार जर्मनी के गणितज्ञ विलियम ऑटरेड ने किया था। अब जब विलियम ऑटरेड ने आविष्कार किया था तो किस चीज के लिए उन्होंने आविष्कार किया? लघु विधि की गणना के आधार पर। क्या? लघु विधि की गणना के आधार पर, सरलता से गणना करने के लिए। ठीक है, लघु विधि द्वारा सरल गणना करने के लिए ऐसे बोलेंगे हम कि भाई लघु विधि, जो छोटी विधि के द्वारा जो गणनाएं की जाती है ना उसके लिए इसने इसका आविष्कार किया था। क्लियर है? चलिए यही लिख लेते हैं हम एक पॉइंट। लघु विधि के आधार पर सरल गणना सरल गणनाएं कर सकता है। क्या कर सकता है? ये लघु विधि के आधार पर सरल गणनाएं कर सकता है। कौन? हमारा स्लाइड रूल। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? तो चलिए इसी सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे की क्लास को हम कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद हम जानेंगे कि भाई कौन कौन से आए और कौन कौन से नहीं आए। तो हम इसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे कि भाई अबेकस आए, वो सॉरी एनालिटिकल इंजन आया, मार्क वन आया, एनिक आया वगैरह वगैरह बहुत सारे आए, तो उनके बारे में भी हम कल के सेशन में लिखेंगे कि भाई क्या आए थे, कब आए थे और क्यों आए थे और लेटेस्ट में कौन सा चल रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। हमारी क्लास कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, टेलीग्राम के माध्यम से इस क्लास को शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा DS SSS B की वैकेंसी को स्टूडेंट्स देख पाएँ, अपने रिलेटेड इसको ले पाएँ और हमारे जुगल सर ऐप के माध्यम से जुड़ पाएँ और इन टेक्निकल जो वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, उनकी अपडेट आपको जुगल सर चैनल पर डेली मिलती रहेंगी। तो हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम आपको कल की क्लास में वापस मिलते हैं 2:00 PM।